अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हरियाणा में सराहनीय कार्य करने वाली बालिकाओं और महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को चंडीगढ़ में महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं और 12 गांवों के समय रहते चयन के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सुनियोजित ढंग से मनाया जाना चाहिए, तभी हम समाज में इस दिवस के महत्व का संदेश पहुँचा सकती है। हरियाणा में बालिकाओं को खेल, सांस्कृतिक कार्य, सामाजिक कार्य, मीडिया और साहित्य, बहादुरी, शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ बाल देखभाल संस्थान जैसे विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही पुरस्कार स्वरूप 11,000 रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं में 4 से 6 आयु वर्ग, 6 से 10 वर्ष, 10 से 14 और 14 से 18 आयु वर्ग के विशेष प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी, जिनमें मौके पर चित्रकारी, नृत्य और संगीत प्रतियोगिताएं शामिल हैं। हर श्रेणी में 3-3 पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए क्रमशः 5100 रुपये, 2100 रुपये और 1100 रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे। साथ ही बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि सभी कार्यक्रम अधिकारियों को जिलाखंड और ग्राम स्तर पर महिला सशक्तिकरण संबंधी कार्यक्रम आयोजित करने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।